जिले में गोदामों की कमी को देखते हुए इस बार 18,000 मीट्रिक टन गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। ये सभी गेहूं क्रय केंद्रों के बाहर पक्के फर्श पर तिरपाल और मोटी पॉलिथीन के सहारे रखा हुआ है। जिले में 102 प्राइवेट वेयर हाउस है, जबकि कॉरपोरेशन ने 1,31,572 मैट्रिक टन गेहूँ खरीदा है, जिसमें से 12 प्राइवेट वेयर हाउस को प्रशासन ने अधिग्रहण किया है, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं होने के चलते बाकी गेहूँ पानी में भीगते हुए मजबूर है, जिससे प्रशासन की ओर से लापरवाही उजागर हो रही है। बहरहाल अब देखना है कि खुले में रखे जाने वाले 10,000 मीट्रिक टन गेहूं में कितना बरसात में कितना बच पाएगा। भारी लापरवाही के चलते अगर आप देखेंगे तो ये 18,000 मीट्रिक टन गेहूं मात्र एक तरपाल के भरोसे खुली आसमान में इस बारिश के सीजन में ये रखा पाया गया है, जबकि 15 वेयर हाउस सरकार के निजी हैं जिला प्रशासन के पास और 18 इन्होंने किराए पे ले रखे हैं। उसके बावजूद भी 18,000 मीट्रिक टन गेहूं मात्र तरपाल के भरोसे छोड़ा जाना ये कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है। बारिश के समय में वो भी अगर ये गेहूं ख़राब होता है तो निश्चित रूप से ये जनता का गाड़ी कमाई का पैसा बर्बादी की तरफ हो जाएगा। जिले में 1,15,000 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी हुई है और इसके भंडारण के लिए हमारे पास खुद के गोडाउन है 12 गोडाउन, उनमें 15 गोडाउन है उनमें हमने रखा हुआ है और करीब 18 गोडाउन हमने किराए से लिए हैं ये भी स्कीम के तहत उनमें रखा हुआ है। तो भंडारण की व्यवस्था तो अच्छी रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास मंडी सेट में 14,000 मीट्रिक टन गेहूँ रखा हुआ है। इसके अलावा खुले में जो हमारे कैंप बने हुए हैं उसमें 18,000 मीट्रिक टन गेहूँ रखा है, जो कि सुरक्षित है, तिरपाल रस्सों से ढका हुआ है, नेट लगी हुई है और व्यवस्थित रखा हुआ है। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।